तस्वीर का, और आपके साथ है रजनी। आज आइए झांकते हैं पूर्वोत्तर के द्वार में, जिसे प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। आज रुख करते हैं असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी का। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ए कंचन। अरे हे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ए कंचन। कोई हो तुम रहती हो कहीं, ओ ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची। अरे हे कांची ओ किसकी हो एक नजर तो देखो कम से कम। देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। आखिर है हमारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची। अरे हे कांची ओ प्यार। ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ, ओ कहते हो के जाओ लेकिन बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ। ऐसा दिल का मारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची। अरे बाबा हे कांची ओ प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची। अरे हे कांची कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी और शिलांग के पठार के बीच बसा गुवाहाटी एक औद्योगिक नगर होने के साथ साथ अपार प्राकृतिक सुंदरता भी लिए हुए है। यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग
तेल रिफाइनरी है, लेकिन इसकी पहचान आज भी इसके चाय बागानों से है, जो कि गुवाहाटी का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है और साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा चाय बाजार भी है। तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आशीर्वाद दो दादाजी। आयुष्मान भव। दादी मैच खेलने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का,
किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। यार मैं पूरा भारत घूमना चाहती हूँ और वो भी मुफ्त में। पर कैसे? नोएडा हार्ट सेक्टर 33 में सरस आजीविका मेला, जहाँ मिलेंगे देश के 27 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों के करीब 450 से ज्यादा महिला कारीगर, जो लेकर आए हैं गांव के उत्पाद, देश भर के स्वादिष्ट पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश के हर राज्य का अनुभव मिलेगा यहां। भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला 16 फरवरी से 4 मार्च, सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक, नोएडा हार्ट सेक्टर 33 नोएडा में। प्रवेश और पार्किंग निःशुल्क। तस्वीर में आज हम हैं असम के गुवाहाटी नगर में। गुवाहाटी की सबसे बड़ी पहचान है कामाख्या मंदिर, जो कि मुख्य शहर से 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर बना है। मान्यता है कि माता सती का सृजन अंग इसी स्थान पर गिरा था। असमिया वास्तुकला की सुंदर मिसाल है कामाख्या मंदिर है, जिसका जो गुंबद है ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार का है। जून के महीने में यहाँ विश्व विख्यात अंबुबाची महोत्सव मनाया जाता है, जो कि 3 या 4 दिन चलता है। सितंबर के महीने में यहाँ मनसा पर्व होता है, जहाँ श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। कामाख्या मंदिर के प्रति श्रद्धा विश्व भर से लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, लेकिन इसके आसपास की मनोरम वादियां भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। कामाख्या मंदिर के अलावा उमानंद मंदिर भी गुवाहाटी के सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी। जब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की तो भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, इसलिए इस जगह को भस्म कला या भस्म कुटा भी कहते हैं।
उमानंद मंदिर मयूर द्वीप पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जहां सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है। फिर लेट हो गए? अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे। क्यों बैठे थे बाहर? क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता। मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र से परीक्षा की चिंता को दूर भगा। उनके इन्हीं संदेशों से प्रेरित होकर NCPCR बना रहा है परीक्षा पर्व, जिसमें बच्चे विशेषज्ञों से बातचीत कर परीक्षा के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 8 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। इस बीच आप NCPCR के फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब अकाउंट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस का हिस्सा बनिए। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी www.ncpcr.gov.in पर प्राप्त करें। यार मैं पूरा भारत घूमना चाहती हूँ और वो भी मुफ्त में, पर कैसे? नोएडा हार्ट सेक्टर 33 में सरस आजीविका मेला, जहाँ मिलेंगे देश के 27 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों के करीब 450 से ज्यादा महिला कारीगर, जो लेकर आए हैं गांव के उत्पाद, देश भर के स्वादिष्ट पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश के हर राज्य का अनुभव मिलेगा यहां। भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला 16 फरवरी से 4 मार्च सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक नोएडा हार्ट सेक्टर 33 नोएडा में। प्रवेश और पार्किंग निःशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। वक्त हुआ है 11:30 और 14 सेकंड।
तस्वीर में आज हम हैं असम के गुवाहाटी की सैर पर। तिला हिल्स पर पांडुनाथ मंदिर एक और प्राचीन मंदिर है गुवाहाटी का। ये पांच पांडवों का प्रतिनिधित्व करती गणेश की पांच मूर्तियां यहां पर स्थापित हैं। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां पर शरण ली थी। पूर्वी चित्राचल पहाड़ी पर नौ खगोलीय पिंडों को समर्पित नवग्रह मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण राजा राजेश्वर सिंह ने 18वीं सदी में करवाया था। इसके अलावा 1966 में बना इस्कॉन टेम्पल भी देशी विदेशी श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। इनके अलावा मदन कामदेव, अग्रतारा, दौल गोविंद, शुक्रेश्वर, रुद्रेश्वर, मणिकर्णेश्वर, अश्वक्लांता, दीर्घेश्वरी, लंकेश्वर, श्री गणेश मंदिर, पंचायतन मंदिर और नूनमती जैसे मंदिरों की बड़ी संख्या के कारण गुवाहाटी को मंदिरों का शहर भी माना जाता है, जो कि आधुनिक होने के साथ साथ अपनी पारंपरिक जड़ों को भी भूला नहीं है। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के, हो कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के, हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे, ओ तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के, हे हे कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के, हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के, हे हे कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के, हो कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के, हो हो रंग तेरे में ये तने
कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर, मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। गुवाहाटी के पंजबारी क्षेत्र में बना श्रीमद शंकर देव कला क्षेत्र एक सांस्कृतिक संस्थान है। 1990 में बने इस संस्थान में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ पे एक संग्रहालय, पुस्तकालय और बच्चों का पार्क भी है, जो सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। पान बाजार क्षेत्र में बना नेहरू पार्क भी बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ कई तरह के झूले और एक ओपन एयर थिएटर भी है, जहाँ स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे कई मूर्तियां भी बनी हुई हैं, जो कि भोजपाली, बोरताल और बिहू जैसे नृत्यों को दर्शाती हैं। घर के गगरिया हाय रे, हाय रे, हाय रे, हाय रे, हाय रे। ओय 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 ओ दयारे दयारे चढ़ गए पापी बिछुआ, ओ दयारे दयारे चढ़ गए पापी बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, ओ दयारे दयारे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दयारे दयारे चढ़ गयो पापी बिछुआ। हो मंत्र फेरूं कोमल काया, छोड़ के जा रे छू जाने जाने जाने। मंत्र झूठा वैद्य
पापी बिछुआ बिछुआ कैसुर पापी बिछुआ बिछुआ। गुवाहाटी का एक अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन है 430 एकड़ में फैला चिड़ियाघर, जिसे हेंगारी के नाम से भी जाना जाता है। 1958 में स्थापित इस चिड़ियाघर में 900 से ज्यादा पक्षियों, जानवरों और सरीसृपों को देखा जा सकता है। इस चिड़ियाघर में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन हाँ, शुक्रवार को ये चिड़ियाघर बंद रहता है। ओ अलबेले पंछी, तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो डाली एक बार, वहाँ कब लौट के आना है। पंछी ओ अलबेले पंछी, तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो डाली एक बार, वहाँ कब लौट के आना है। तीन गगन है झूला तेरा, अरे अरे झूला नहीं आंगन, गगन है आंगन तेरा, धनक तेरा झूला, ओहो धनक तेरा झूला। उजले पंखों की डोली में फिरे तो फूला फूला, डोली में फिरे तो फूला फूला। चंचल चाल धर्मत वाली, रूप सुहाना है पंछी ओ अलबेले पंछी, तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो डाली एक बार, वहाँ कब लौट के आना है। इस डाली से नीचे आकर बात हमारी सुन ले पंछिया, पास ही अपना घर है, चलकर दाना तुन का चुन ले पंछिया। तुझे मेहमान बना कर गाना हंसना है, नहीं नहीं हंसना गाना है पंछी ओ अलबेले पंछी, तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो डाली एक बार, वहाँ कब लौट के आना है। अलबेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो डाली एक बार, वहाँ कब लौट के आना है। पंछी ओ अलबेले पंछी, तेरा दूर ठिकाना है। अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी, गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट, इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। असम का राज्य संग्रहालय भी गुवाहाटी में है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। 1940 में बने इस संग्रहालय में विभिन्न कलाकृतियां, हस्तशिल्प और प्राचीन हथियार देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दिगली पुखरी पार्क के पास बना युद्ध स्मारक भी गुवाहाटी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जिसकी स्थापना 18 मई 2005 में देश पर प्राण निछावर करने वाले वीरों की याद में की गई थी। गुवाहाटी और इसके आसपास भी कई सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि मानस नेशनल पार्क, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, हाजो वशिष्ठ आश्रम और पवित्रा वन्य जीव अभयारण्य। Yeah.
आज चलो हम कह दें। दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दें, कल का भरोसा क्या आओ इसी दम कह दें। से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। गुवाहाटी में खरीदारी की बात करें तो फैंसी बाजार यहां का सबसे मशहूर बाजार है, जहां जरूरत का हर सामान मिल जाता है। असम का स्थानीय गमछा और बांस की टोपी, जिसे जापी कहा जाता है, उसे आप गुवाहाटी की यादगार के तौर पर खरीद सकते हैं। पान बाजार पुस्तकों के बाजार के रूप में लोकप्रिय है। इसके अलावा असमिया सिल्क और हर तरह के कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। पल्टन बाजार में बांस के बने हस्तशिल्प और होम डेकोर के आइटम्स भी मिलते हैं, और बल्कि उसी के लिए पल्टन बाजार मशहूर है। इसके अलावा जीएस रोड और गणेश गुरु बाजार भी बड़े बाजारों में गिने जाते हैं। Thank you.
चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे ओए चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार देख देख भजन बितल जाए रे चुनरी संभाल उड़ी चली जाए मारना दे डंक नजर कोई हार की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि आप वहां का स्थानीय जायका ना चख लें। गुवाहाटी में मांसाहारियों के लिए कई सारे विकल्प हैं। बत्तख का मीट यहां पर खास अवसरों पर बनाया जाता है जिसमें लौकी तिल कद्दू और दाल मिलाई जाती है। खार भी एक मशहूर मांसाहारी व्यंजन है जिसमें मीट के साथ कच्चा पपीता और दालें मिलाई जाती हैं। मसूर टेंगा भी गुवाहाटी का मशहूर व्यंजन है जिसमें मीट को नींबू के रस में पकाया जाता है। वैसे शाकाहारियों के लिए भी यहाँ काफी कुछ है जैसे जाक आरू भाजी जिसमें सब्जियों को अदरक लहसुन दालचीनी प्याज और नींबू मिला के पकाते हैं। इसके अलावा आलू पिटिका भी यहाँ का मशहूर व्यंजन है जिसे आलू मैश करके सरसों के तेल में प्याज और धनिया के साथ पकाया जाता है। पीठा यहाँ का मशहूर नाश्ता है जो मीठा नमकीन उबला हुआ और तला हुआ कई रूपों में मिलता है। और अगर आप गुवाहाटी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ का गोपीनाथ बोरतोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के ज्यादातर बड़े शहरों से जुड़ा है। गुवाहाटी का रेलवे जंक्शन भी 5 बड़े महानगरों से जुड़ा है और सड़क मार्ग से भी गुवाहाटी असम और देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो Oh,
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम है तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम तैयार चलो। तस्वीर में गुवाहाटी का सफर आज बस यहीं तक। फिलहाल रजनी को इजाजत दीजिए, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।